खबरों में हैदम, सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़। हम नहीं, हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। मंडला, 4 वर्षीय मासूम बालिका आसी के मौत का कौन जिम्मेदार? गांधी जी के 3 मंदिर बना बैठा जिला प्रशासन। मंडला, घटना 13 जुलाई लगभग 2 बजे की है, जब पटवारी प्रदीप सयाम अपनी 4 वर्षीय मासूम बालिका को छोड़ने अपने भाभी के घर पड़ाव जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे पिता प्रदीप सयाम को गंभीर चोट लगी, उनका कांधा और पैर फ्रैक्चर हो गया। वहीं हम बात करें उस मासूम बिटिया की, तो उसके सर पर ट्रैक्टर की ट्राली लगी और मौके पर ही दम तोड़ दिया। कहते हैं पिता अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने टूटे पैरों से पिता ने अपनी बेटी को उठाया, राहगीरों की मदद से उसे कटरा हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहां के दुकानदारों ने उस ट्रैक्टर का नंबर भी नोट कर लिया। उससे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद वह ट्रैक्टर मौके से फरार हो गया। फिलहाल कोतवाली थाना इस घटने को लेकर कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब जिला प्रशासन को कौन समझाए कि साहब जिसका दोना धड़कता है वही सूखा खाता है। अगर इस पूरी घटना का हम विश्लेषण करें तो हम पूरी जवाबदारी के साथ कह सकते हैं इसमें केवल जिला प्रशासन दोषी है। चाहे कोतवाली थाना, चाहे बमनी थाना, चाहे उपनगरी क्षेत्र महाराजपुर थाना, चाहे RTO ऑफिस या मंडला यातायात थाना, जिला माइनिंग विभाग, सबकी जवाबदारी बनती है। आखिर क्यों यह विभाग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं? पूरे मंडला शहर में कृषि कार्य के लिए उठाए गए ट्रैक्टर दिलेरी से अवैध रेत, अवैध गिट्टी, अवैध मुर्रम का परिवहन कर रहे हैं। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसका कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसमें यह सारी तस्वीरें कैद होती हैं। उसके बाद भी जिला प्रशासन अपनी आंख में काली पट्टी बांध के रखा है। क्या कार्रवाई न करने के लिए इन्हें कोई आर्थिक लाभ होता है, या फिर जिले के जिम्मेदार बड़े अधिकारी के कहने पर इन अवैध टेकरों पर कार्रवाई नहीं होती? वही नाम न बताने की अवज पर एक जिम्मेदार अधिकारी ने बताया, अगर हम एक ट्रैक्टर भी पकड़ लेते हैं तो जिले के 100 नेताओं के फोन उस ट्रैक्टर को छुड़वाने के लिए आते हैं। मुझे कोई शर्म नहीं आती यह कहते हुए कि मंडला जिले के जनप्रतिनिधि, नेता, पदाधिकारी अपने निजी फायदे और आर्थिक लाभ के लिए मंडला शहर पर अवैध कामों में संरक्षण दे रहे हैं। अगर समय रहते इन जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी नहीं सुधरे तो रोजाना किसी न किसी मासूम बच्चे की जान जाती रहेगी, और वह दिन भी दूर नहीं जब यह मातम आपके घर में भी फैलेगा, तब आपको पता चलेगा। पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।